अपनी बच्ची की बरामदगी की मांग को लेकर माँ बाप SSP दफ्तर पहुँचे और इंसाफ की गुहार लगाने के बाद अधिकारियों ने लड़की की बरामदगी करने का आश्वासन देकर माँ बाप को वापस भेज दिया। दरअसल पूरा मामला मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का है, जहाँ के रहने वाले इन लोगों ने बताया कि उनकी 16 साल की नाबालिग लड़की को पड़ोसी युवक बहला फुसला कर ले गया है, लेकिन अभी तक कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे हताश होकर आज पीड़ित परिवार SSP दफ्तर पहुंचा और अधिकारियों से बेटी की बरामदगी की गुहार लगाई। हम इसलिए आए हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही और हमने हमारी लड़की को लेकर चला गया है। लड़का तालिब नाम का लड़का है और कुरैशी का लड़का है वो। अच्छा। 5 भाई हैं वो, 6 बहनें हैं और जी वो पैसे वैसे भी लेके गई है, वो मकान के पैसे रखे थे 4,05,000 रुपए लेके गई है और दो चीज़ें भी थी, चांदी की और सोने की चीज़ें कुछ बनवा रखी थी, वो भी लेके चली गई है। तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, हमारी सुनवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। लड़की से संपर्क में वो कैसे आया था, कुछ पता चला आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम तो जानते भी नहीं बिल्कुल भी, हमें तो पता ही नहीं कुछ भी। हमारे तो मोहल्ले में जाके ये पूछ लो कि वो लड़की दरवाजा भी झाँकती थी, बिल्कुल भी दरवाजे तक नहीं झाँकती, पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई उसे, क्या नहीं क्या कराई है, हमें पता नहीं बिल्कुल भी। लड़की कितने साल की है? लड़की 16 साल की है जी, नाबालिग है लड़की।